बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है प्यारे बच्चों? ठीक है। कल जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा मीट द फैमिली यूनिट वन, इसके वर्ड्स मीनिंग कुछ मैंने लिखे हैं। आपने ऐसी मार्जिन लाइन लगानी है, दोनों साइड पे दरमियान में लाइन लगानी है, ऊपर लिखने वर्ड्स, इस साइड पे लिखेंगे मीनिंग। फर्स्ट है एस यू डबल पी आर सपर मीन, रात का खाना। ए आर टी आई एस टी आर्टिस्ट मीन, आर्टिस्ट। बी आर आई डी जी ई ब्रिज, ब्रिज मीन पुल। सी ओ डबल एल ई ए जी यू ई कोलीग, कोलीग मीन साथी। ठीक है, आपने ये वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थ्री। लिसन एंड राइट द चिल्ड्रंस एजेस नेक्स्ट टू देयर नेम्स, राइट। सबसे पहले आप ये फैमिली ट्री बनी हुई है, आपने इसको समझना है, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन दोनों होंगे। ठीक है, फर्स्ट आप इसको समझेंगे ट्री को, फिर जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन दिए हुए हैं ये फिल किए जाएंगे यहाँ से देख के। ठीक है, फर्स्ट है ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा इज इक्वल का मतलब है कि ये जिनकी आपस में शादी हुई होती है उसको बराबर का निशान से उन्होंने दिखाया है। मतलब ग्रैंडपा मीन दादा, ग्रैंडमा मीन दादी या नाना या नानी। ठीक है, अब इनकी दो बेटियां हैं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा मीन ये नाना और नानी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेटियों के पेरेंट्स हैं। ठीक है, एक बेटी उनकी कौन है, मिसिस बर्क की। दूसरी बेटी कौन है, मिसिस दानी। ये दोनों कौन है, आपस में सिस्टर्स हैं। ठीक है, ग्रैंडपा ग्रैंडमा की दो बेटियां हैं, उनका नाम है मिसिस दानी एंड मिसिस बर्की। अब मिसिस बर्की के हस्बैंड हैं वो मिस्टर बर्की, मिसिस दानी के जो हस्बैंड है वो मिस्टर दानी। ठीक है, मिसिस दानी और मिसिस बर्की आपस में दोनों सिस्टर्स हैं। अब मिसिस बर्की के कितने बच्चे हैं, तीन, सायरा, इमरान एंड नादिया, ये मिसिस बर्की के बच्चे हो गए। इसी तरह मिसिस दानी के कितने बच्चे हैं, दो हैं, फाहद एंड मरियम। ठीक है, अब हम इस पिक्चर को देखते हुए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर टू जो दिया हुआ है इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन्होंने हमें दिया हुआ है लुक एट द फैमिली ट्री इन लेसन वन, यूज़ द वर्ड्स इन द बुक टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, ऑन, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर। अब फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, मिस्टर मिसिस बर्की इज़ मिसिस दानीज सिस्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, मिसिस बर्की जो हैं वो मिसिस दानी की सिस्टर हैं। ठीक है, अब फर्स्ट वन हमने करना है, मिसिस बर्की इज़ फाहद्स डैश, मिस्टर बर्की इज़ फाहद्स डैश। जो मिस्टर बर्की है वो फाहद के क्या लगते हैं, अंकल लगे ना, खालू। ठीक है, ये खाला लगी और ये खालू लगे, तो खालू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिस्टर बर्की इज़ फाहद्स अंकल। ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ अंकल। नेक्स्ट, मिसिस दानी इज़ इमरान्स डैश, मिसिस दानी इज़ इमरान्स डैश। मिसिस दानी इमरान की क्या लगती हैं, देखें इधर, मिसिस दानी जो हैं वो इमरान की खाला हैं, उनकी उसकी मदर की सिस्टर, मतलब खाला लगी। ठीक है, खाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंट। नेक्स्ट, सायरा इज़ ग्रैंडमाज डैश, जो सायरा है वो ग्रैंडमा की क्या लगती हैं, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्रैंड डॉटर। मिसिस बर्की इज़ ग्रैंडपास डैश, जो मिसिस बर्की है वो ग्रैंडपा की क्या लगती हैं, बेटी लगती है, मतलब डॉटर। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे डॉटर। नेक्स्ट, आंसर दीज पजल्स, एग्जांपल उन्होंने दी हुई, आई एम मरियम्स मदर्स सिस्टर, मैं मरियम की माँ की बहन हूँ, मतलब मरियम की मामा की
बहन कौन हुई? मिसेस बर्की, ठीक है, क्या है? मिसेस बर्की। नेक्स्ट आगे उन्होंने पूछा है, आई एम इमरान्स ट्विन सिस्टर, माई नेम इज़ डैश। इमरान की ट्विन सिस्टर कौन है? सायरा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सायरा। नेक्स्ट, आई एम फहद्स सिस्टर्स ग्रैंड फादर, फहद्स सिस्टर ग्रैंड फादर कौन हुए? ग्रैंडपा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ग्रैंडपा। नेक्स्ट, आई एम नादियाज अंकल, नादिया किधर है? नादिया का अंकल कौन है? मिस्टर दानी, यहाँ पे हमने लिख दिया मिस्टर दानी। नेक्स्ट है, आई एम मिसेस दानीज सिस्टर सन, मिसेस धानी की सिस्टर का सन कौन है? इमरान, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमरान, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारा, भी ये ऊपर क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर वन, यूनिट वन लेसन टू का क्वेश्चन नंबर वन, से दीज वर्ड सर्कल द ऑड वन आउट। अब इन वर्ड्स में वावल वर्ड है ओ, सब में ओ आपको वावल वर्ड नज़र आ रहा है, इसकी साउंड आपने चेक करनी है कि किस में मुख्तलिफ है, ठीक है। ब्रदर, मदर, सन, हनी, नथिंग, मनी, रॉकेट। अब रॉकेट में इसकी ओ की आवाज़ ओ की तरह आ रही है, बाकी सब में ओ की आवाज़ सेम आ रही है, ठीक है। इसमें से आप रॉकेट को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, मनी, डोंकी, इसमें भी इसकी साउंड ओ की मुख्तलिफ आ रही है, मनी, ठीक है, बाकी सब सेम साउंड दे रहे हैं ओ की, और रॉकेट और डोंकी, ये जो दो वर्ड हैं ये मुख्तलिफ साउंड दे रहे हैं, ठीक है। आज ही ये आपका काम है, इसको आपने कॉपी पे नोट आउट करना है सब, ठीक है, शुक्रिया। अब बारी आती है इंग्लिश बी, कल आपको दिए थे सिंगुलर प्लूरल जो फर्स्ट टेन थे, जो आपने अपनी कॉपियों पे नोट आउट किए होंगे। नेक्स्ट आज हम दे रहे हैं मैस्कुलिन फेमिनिन मुजक्कर मोनस, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है ब्रदर, BROTHER ब्रदर मतलब भाई, इसकी मोनस होती है सिस्टर मतलब बहन, ब्रदर सिस्टर, मैन वोमैन, किंग क्वीन, बुल काउ, डॉग बिच। आपने ये जो फर्स्ट फाइव हैं ये अपनी कॉपी पे नोट करने हैं और इनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।